बुइया ओ करुआली ओ करबीवाली, पता नहीं आई कहाँ चली गई। सा दरवाजा खोल के ही हुआ चली जाती हैं। इतने जुआ पड़े हैं तो ये चुड़ैल के जो थरा हंस के तो बाहर धरे हते हैं, या नहीं कि कतो शैम्पू से नहा ले, बाथरूम में दो बीठो शैम्पू की शीशी धरी हैं, या नहीं कि कतो उन्हें लगा के नहा धो ले ढंग से। पट पट फूटे थी जुआ हाथी हैं, बड़े बड़े जुआ परे हैं, पर दिन भर वही हिया हुआ फिर से फुर्सत नहीं आए, न अच्छे से नहाए का न धोवे का आए। हे करुवाली करुवाली, कहाँ हो तुम सब जने? अरे तो खुला पड़ा है तुम्हाँ। ए भैया जा देख तो कुआ गंगा था, देख थोई। अरे मैं हूँ अकोल गधैया वाला फूफा। मालकिन का हुआ था? का हूँ के वह घर दुआरे में भाई फिरत रहते हैं बस वही का। आओ बैठो बैठ जाओ या बेड में। ए भैया जब फूफा के जल से घी चीनी ले आवे, जब पानी भी ले आए। हाउ जी जे सुनावा का हाल चाल है घर दुआर में, सब जने नी की तना है, वहाँ लड़कन बच्चन के का हाल चाल है? आउ सब तो बढ़िया है मालकिन, पर तुम्हारा याद आया वत रहे तो सोचो जाके करी वाली से मिली आओ, कहे कि बहुत दिन से तुम वीडियो में भी नहीं दिखाई दे आहू ना, नहीं तो हम वीडियो न का देख के जी भर लेते रहन। ए तुम का मजाक करती हो, वहाँ थोड़ी कुछ दिन में तबीयत खराब रही है ऐसे में नहीं आती रही हूँ वीडियो में। ये समो मालकिन तुम तो जा गई हो, कहा खाती हो या समय इतना? मानो एक बात है जीजा, तुम बुढ़ा गए हो पर मानो मेहराब नहीं छोड़े आहू, खासा 20-20 साल के लड़कन के बाप हो गए हो पर मेहराब न छोड़े हो, अब तो छाड़ दे। ए कहे का छाड़ दे मालकिन, मेहराब करे में कौन सा पैसा लागत है तुम ही बताओ। आओ मालिक कहाँ है तुम्हाँ? ए मालिक का पूछ के जी जगे हुई है दोस्तन के साथ का तो बैठे तासे ख्याल हुई है, राम दे मुड़े आया है मुए, इतना बड़ा दिन इनका तासन में निकल जाता है, खाली सवेरे गोरुन भर के सानी कर थी और दोपहरी के पानी तक नहीं दिखावती है, दोपहरी के पानी माया दिखावती हूँ उन्हें, दिन भर तासे ख्याल थी हूँ, अपन लोफड़ दोस्तन का लवा लाओ थी और उन्हें सारे का बैठा के चाय और पियाओ परत है, मुड़े आया है कसम से जीजा मैं तुमसे यह कह देती हूँ। और सुना डारा जीजा का हाल चाल है, मासी कली बिट्टी क्या निकिन तना है सब? तुम बगल में बैठ जा फिर बताओ थी हूँ तुम्हें। ए वह निकिनता ना है वही का हूँ, खे बिंदास खात पिया थी परे परे, मोए करम के पिंडा पारे रहा थी। एक बात तो तुम्हें मानक परी जीजा, जीजी है तो बड़ी एक नंबर के आलसी, एक बार वो शिवरामपुर वाली के बिटिया के शादी में ना गए थे हम, वहीं ने यूं रहे हैं, तुम तो लागत वह दिन लौटी आए रहे हो, तो जय बारात के खाए पिए का टाइम रहा है, बारात के खेतर उजर वाले रसगुल्ला बने रहे हैं, उजर उजर वाले उन्हें ससु का कहा थी एक तो नाम भूला जात है। छेना? हाँ हाँ जी जमाई, तो यह जम शिव कली है, यह 7-6 छेना चुरा लाई रही है वहाँ से, तो तुम्हारा भतीज या घुइया या मचा लगा कहे कि महू का यही छेना खा के जो बुआ लेके आई है, तो मैं कहा बताऊ मैं एक था एक और था नहीं हुआ मैं आधा तोड़ के और मैं यही दे दे हूँ, कहे कि चल गई रही हूँ ताठी धर के वह कहा है जो रस्सी हंस रहा थी तो वह ले चल गई वाह चाउमीन, तो ध्यान आई तो ये चाउमीन ले चल गई, तो मैं आधा तोड़ के भतीजे का दे दे हूँ, जय लौट के आई जीजा मां करम तो कई डारिंग गोहा चारो करम कई डारिंग कौनो करम न बकाया रही गे, इतना तो राम दे मैं कौनों का ना सुनियो, मैं राम दे जीजा इनके पाइन पर के कहूँ कि ये बिट्टी तुहारो तो भतीजा है, अगर मौजा ना हुआ जीजा अरे मैं तुमसे यह बताती हूँ तो मैं कतो न देती हूँ, पाए लड़का का मैं भूखन सुवा देती हूँ पर एक को न देती हूँ, मो 16 करम कई डारी राम दे जीजा चाट उज्जर वाले रसगुल्ला फेंके गए मतलब खाए न भे, इतनी असत्यन है तुम्हें बुरा चाहे जरूर लागत हो पर मैं तुम्हें सही यह बता देती हूँ, जीव के बात है बतावती हूँ। या मालकिन तुम 16 आना सही कही डारे हो, या बिल्कुल राम दे, हम तो घर में रही थे खैर सवेरे से शाम तक लड़कन का बिटियन का और मोही दिन भर बजा रही, हिया तक कि गोरु बछेरी तक नहीं बचती हैं, पर अगर तुम्हारे मालिक से कहते हो तो उन्हें बहुत बुरा लागत है। अरे उन्हें कहे ना बुरा लागी या उनके बहनी आए यह तो ना मैं इनसे आके लौट के बताऊं, तो इमो करम कई डारिन, अच्छा जीजा मैं चला थी हूँ तुम भूखा आए हो या कुछ खा लिया, अपन बुड्ढा ना सरा दो तुम्हारे खातिर बहुत दिन में तो आए हो यही से मैं कहा करती हूँ आके घूम जाओ करो तो कतो नहीं उगते रुपया कमाए लागे हो ना भाई। अरे मालकिन तुम बैठ रहा हम खा के आया हूँ।
राम दया माँ पेट अभरा है, खाइन क्या चले रहे हम घर से। वैसी बात नहीं है, मैं आवत रहते हूँ, जब मैं मन चला तो चला आवत हूँ। ये मकान वो वाली बात न हो, तुम्हें बताओ अगर तुम्हें बिना बोला ना आया हूँ मैं। अच्छा बताओ तो जी जा, मुझे पता है बहू आवत हो तुम। अच्छा मालकी, मैं एक ठकाम से आया आ रहे हूँ, तुम थोड़ी बताओ का कसत रही। बताओ जी जा, मैं कम लाई हूँ तुम्हारे खातिर। यहा कहा तुम जो मो बड़ा लड़का नहीं अकल हुआ, तो अकेला ने ये बीड़ी पुलिया वाली के बिटिया कसत थी। काजी का सोचा सहा, सोचत हूँ कि यह साल नहीं तो गुस्सा वही निपटा दूं, तो मुड़े का थोड़ी सी भार पटाए। कहे कि यहाँ ससुडियारन हसी हुआ भावत ही, काजवाज हुई गई तो सोई से समझदार हुई गई है। बेड़ी पुलिया वाली के, हाँ वही की बिटिया ठीक तो है, पर हुआ कहे सोचे हो। यही से सोचे रहे हम, मलकिन बिटियो भी ये के है, मॉलर को भी ये आके है, ना हो तो थोड़ी से आगे का सोचते। अच्छा जी जाना हो तो मैं तुम्हें बिहार ना बताओ यार, मैं एक दो जने से पूछ पूछ लूं, ये बताई हो तुम्हें। हाँ ठीक है मालकिन, तो फिर बिहाए आई हूँ मैं, बाकी बात बिहाए हुई है। ठीक हाँ ठीक है जी जा, है मालकिन, तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ भैया अगर वीडियो तुम्हें नीक लाग हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दो, और हाँ कमेंट करके ये जरूर बताओ वीडियो तुम्हें कसत लाग है, और जही जही तुम हंसा सकते हो सब जने का हंसाओ, और ये वीडियो का पूरे घर भर में फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटा बटन दबा लो ताकि भोले बाबा तुमसे प्रसन्न हो जाए, और ये बैकग्राउंड वॉइस जो आवत थी खिचिर पिचिर वाली वही के लाने में माफी चाहती हूँ। और अच्छा फिर अगले वीडियो में मिलवे।